हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वीवो के S1 का। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इसका प्राइस है दोस्तों वो 17,990 रुपये है और जो इसका वेरिएंट है दोस्तों 4GB 128GB है और जो इसका कलर है दोस्तों यहाँ पे कलर भी मेंशन किया हुआ है, ये डायमंड ब्लैक कलर का है। और यहाँ पे कुछ बॉक्स के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और 4500 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलता है। 18W डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग भी इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो S1 के बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ ऊपर के बॉक्स के तरफ है और ये देखिए ये बॉक्स का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है मुझे बॉक्स का। बॉक्स ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरीके का व्यू मिलेगा बॉक्स के अंदर का। तो ये मैं ऊपर की तरफ का ये कवर हटा लेता हूँ जिसके अंदर आप लोगों को ये सिलिकॉन का कवर देखने को मिलता है जो आजकल सारे फ़ोनों में आने लगे हैं। और वीवो के कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप वारंटी कार्ड और मैनुअल गाइड इसके अंदर है जो आप खाली टाइम में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस फ़ोन को मैं साइड में रखता हूँ, इस कवर को मैं साइड में रखता हूँ। और ये है दोस्तों आप लोगों का डायमंड ब्लैक फ़ोन, ये डायमंड ब्लैक फ़ोन है दोस्तों वीवो की तरफ से जो आया है डायमंड ब्लैक। तो इसको मैं बूट कर लेता हूँ, फटाफट बूट कर लेता हूँ और आप लोगों को बॉक्स के अंदर की चीज़ें जो सारी हैं वो चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इजेक्टर टूल है जो आप लोगों को सिम कार्ड डालने और मेमोरी कार्ड डालने के लिए काम आएगा और निकालने ओपन करने के लिए भी काम आएगा। और कुछ ये IMEI नंबर है जो स्टिकर इस बॉक्स के अंदर आता है जो आप लोगों को आपके पास रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आपको अगर कभी कंप्लेन करना होगा तो इसी तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाली है। एक आप लोगों को USB केबल देखने को मिलती है जो आप लोगों को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देगा और यहाँ पे चार्जर भी है जो 18W का चार्जिंग देगा और यहाँ पे जो 5V है और 2A दिखाया गया है, ये फास्ट चार्जिंग डुअल इंजन पे सपोर्ट करता है जो 18W, मतलब समझ लिए दोस्तों कि ये बुक चार्जिंग का सपोर्ट कर सकता है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक हेडफोन भी मिलता है वीवो की तरफ से, ये भी देख लीजिए, ये वीवो की तरफ से हेडफोन आया है जो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका ये लुक वाइज आईफोन की तरह बना दिया है और अच्छा है, कुछ इस तरीके का एयरफोन अब बॉक्स में आ रहा है। मगर प्राइस अगर आप लोगों का 12,000-15,000 से ऊपर रहेगा तभी आप लोगों को फ़ोन के अंदर हेडफोन देखने को मिलेगा, नहीं तो अब सारी कंपनियां ने बंद कर दिया हेडफोन के लिए। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को फ़ोन को ओपन करके दिखा देते हैं। तो फोन का लुक आप देख सकते हैं, वीवो S1 का लुक जो है, यहाँ पे पंचिंग कैमरा भी दिया हुआ है आपको पंच करके। यहाँ पे वाटर नॉच डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को इस फ़ोन में मिलता है दोस्तों और बहुत ही खूबसूरत फ़ोन लग रहा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस फ़ोन को, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। मार्केट में जो वीवो S1 है दोस्तों ये बहुत ही पसंद आएगा, जो पंची कलर है इसका। और ये देखिए डायमंड इसलिए नाम रखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को जैसे आप डायमंड में देखते हैं, हीरे में देखते हैं जो कलर पंची छोड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड पॉलीकार्बोनेट। ये कलर देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को कलर बहुत ही पसंद आएगा वीवो S1 का दोस्तों। और ये देखिए आपका फ़ोन तो स्टार्ट हो गया दोस्तों, और बता देता हूँ इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाली हैं और क्या क्या खासियत है इस फ़ोन के। इसके रैम के बारे में मैं बता देता हूँ, जो इसके अंदर आप लोगों को रैम देखने को मिलेगा दोस्तों वो आप लोगों को 4GB रैम और 128GB इंटरनल देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके अंदर आप लोगों को 256GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी ओपन करके दिखा देता हूँ, क्या इसके अंदर आप लोगों को हाइब्रिड सिम मिलता है या आप लोग इसके अंदर सिम डाल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आप लोगों को एक दो सिम और आप लोग एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो 256GB एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये फ़ोन हाइब्रिड नहीं है। तो इसको मैं लगा देता हूँ फटाफट और आप लोगों को फिर चालू। और इसके अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले साइज है दोस्तों, जो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले साइज है जो आप लोगों को मिलने वाली है 6.3 इंच का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। अब चलिए बैक में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो मेन कैमरा है बैक का वो आप लोगों को 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल
प्लस आप लोगों को 2 मेगापिक्सल देखने को मिलता है और नीचे की साइड आप लोगों को एलईडी फ्लैश देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आप लोगों को 32 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और जो इसके अंदर आप लोगों को बैटरी लगा हुआ है दोस्तों, वो आप लोगों को मिलता है यहाँ पे 4500 mAh की लिथियम की बैटरी इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा 18 वाट पे। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। फिंगरप्रिंट दोस्तों काम करता है वीवो S1 का, वो बहुत ही फास्ट है। ये देख लीजिए, यहाँ पे वीवो S1 का जो फिंगरप्रिंट है बहुत ही फास्ट काम करता है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो लुक वाइज ये फ़ोन जो है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। और इसका जो ट्रिपल लेयर कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और जो फ्रंट साइड के कैमरे हैं, जो 32 मेगापिक्सल कैमरा है, वो आप लोगों को सेल्फी लेने के लिए बहुत ही अच्छा है, सुपर कैमरा है दोस्तों। यहाँ पे नीचे की तरफ आप लोगों को दोस्तों 3.5 mm का जैक दिया हुआ है और यहाँ पे माइक दिया हुआ है। और एक गलती हो गई है वीवो S1 की तरफ से कि यहाँ पे सी टाइप की चार्जिंग सपोर्ट के लिए नहीं दिया हुआ है। जब आप 3.5 mm जैक लगाते हो तो आप डिज़ाइन में और नए लुक में ये टाइप सी भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ गया है दोस्तों। तो ये है कुछ फ़ोन की खासियत दोस्तों। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा।